ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। और हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ऋचा सरीन, कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ले लेते हैं, अतुल हैं दिल्ली से, वो अपना सवाल पूछेंगे। कोरोना के केसेस में कुछ लोगों के लिए तो सीवियर सर्दी जुकाम है, बट काफी लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है, ऐसा क्यों? जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आई एम ग्लैड कि लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना की सिवियरिटी वेरीड हो सकती है। 80-85% लोगों में या तो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है या फिर माइल्ड फ्लू के जैसे इन्फेक्शन होता है, मगर 15-20% पेशेंट्स में ये सिवियर इन्फेक्शन होता है, समटाइम रिजल्टिंग इन डेथ ऑल्सो। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन होते हैं कि आपकी एज क्या है, आपके कोमॉर्बिडिटीज क्या है। जनरली लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनको डायबिटीज होता है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे होते हैं, या फिर जिनको अंडरलाइन क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायलिसिस वाले पेशेंट्स, या अंडरलाइन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या ऑलरेडी वीक लंग्स होते हैं, उन लोगों में डिजीज ज्यादा सिवियर हो रहा है। एंड एक और फैक्टर पे भी ये डिपेंड करता है कि जब 7-8 डेज के बाद, जब फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस जो होता है वो वायरल रेप्लिकेशन का फेज होता है, जो सेकेंड वीक होता है उसमें बॉडी रिएक्ट करती है वायरस के अगेंस्ट। सो कुछ लोगों में ये एक हाइपर इम्यून रिएक्शन के जैसे होता है, तो उनमें भी ज्यादा फिर सिवियर इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए कोई मतलब स्टैम्प के साथ नहीं बोल सकता कि यंग को सिवियर नहीं होगा या ओल्ड को ही सिवियर होगा। सो इसलिए हर किसी को प्रिकॉशन लेके चलने की जरूरत है, बिकॉज मोर्टैलिटी सारे ही एज ग्रुप्स में हो रही है। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से प्रशांत हैं, वो अपना सवाल पूछेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आप सबसे यह है, क्या इस मुश्किल समय में अपने बच्चों को डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए ले जाना सेफ है? जी, तो थैंक यू प्रशांत फॉर अ गुड एंड अ वेरी थॉटफुल क्वेश्चन। इस समय बिकॉज अब हम ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़े टाइम के लिए रहने ही वाली है, सो हमें न्यू नॉर्मल करके अपने अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। जब तक कि कोई भी चीज जरूरी नहीं हो वो नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके बच्चे को डेंटल एब्सेस हो रहा है या डेंटल कैरीज हो रही हैं, तो आपको फिर अपने डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेके आप उनको ले जा सकते हैं। बिकॉज सारे ही डॉक्टर्स आजकल सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत जरूरी है डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए तभी लेके जाइए। कुछ डेंटिस्ट आपका कोविड रिपोर्ट भी मांगते हैं बिफोर टेकिंग द अपॉइंटमेंट, बिकॉज काफी क्लोज एक्सपोजर होता है। जो डेंटिस्ट होता है, द डेंटिस्ट इज ऑलवेज वेयरिंग अ मास्क, ही विल ऑलवेज बी वेयरिंग अ शील्ड। सो अगर आपको जरूरी है तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगी, आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन प्लीज मिस मत कीजिए। काफी सारे पेरेंट्स कोरोना वायरस के चक्कर में बच्चों को वैक्सीन के लिए नहीं लेके जा रहे हैं। सो बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, उनको अपने टाइमली वैक्सीन चाहिए। सारे हॉस्पिटल्स टेक केयर कर रहे हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, सो बच्चों का वैक्सीनेशन भी प्लीज मिस मत कीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो लोग रिकवर कर चुके हैं, पोस्ट कोविड कुछ समस्याएं आ रही है, जैसे किसी को शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा है या कुछ और भी दिक्कतें आ रही है, ब्रेथलेसनेस है, या फिर खांसी जो है वो लगातार बनी हुई है, गले की आवाज जो है वो लगातार बदली हुई है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट 40-50% पेशेंट्स को या तो पोस्ट कोविड सीक्वली हो रहा है या फिर खांसी नहीं बंद हो रही है। तो इसमें आपको एक बार जब आपका कोविड नेगेटिव हो जाता है तो आपको फिजिकली जाके अपने डॉक्टर के साथ मिलना है, बिकॉज कुछ लोगों में तो लंग में फाइब्रोसिस हो रहा है, उसके वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कुछ लोगों की तो ऑक्सीजन लंबे समय तक भी कम रहती है, उसमें फिर हमें अलग तरह से उनको मेडिसिन देनी होती है। कुछ लोगों के एयरवेज जो होते हैं वो हाइपर इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, चाहे उनको पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम रही हो चाहे नहीं रही हो, बट हम काफी फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि कोविड के बाद लोगों के एयरवेज हाइपर इन्फ्लेमेशन हो रही है उसमें, जिससे उनको लंबे समय तक खांसी बनी रहती है। ऐसे लोगों को हम इनहेलर्स वगैरह दे रहे हैं। सो अगर आपको कोविड ठीक होने के बाद समस्या बनी रहती है तो प्लीज अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि काफी लोगों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज इसी समय सीजन भी चेंज हो रहा है, एयर पोल्यूशन का भी इफेक्ट है, तो सब क्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं सो प्लीज गेट बैक टू योर डॉक्टर, एंड हर चीज का इलाज है, सो डोंट वरी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋचा सरीन आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो भले ही कोरोना से होने वाली दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, बहुत पेचीदा हैं, लेकिन उससे बचने के उपाय बहुत आसान हैं। हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।